दिल्ली में हमारी सरकार बनने के बाद हमने मध्य प्रदेश में 14 ऐसी योजनाएं खोज के निकाली जो कांग्रेस की कार्यशैली का जीता जागता नमूना था। सालों से आधी अधूरी पड़ी, आधे पैसे डूब गए, आधे पैसे खा गए, काम अधूरे रहे, कॉन्ट्रैक्टर से झगड़े हो गए और रुपये बांटने के खेल में सब लटका पड़ा था। हमने मध्य प्रदेश में से खोज खोर करके 14 बड़ी योजनाएं निकाली और आज लाखों हेक्टर धरती को पानी पहुंच रहा है। 14 में से 10 योजना पूरी करके हमने पानी पहुंचाने का काम कर दिया। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से पूरे देश में करीब करीब 30 लाख हेक्टर धरती को सिंचित करने का एक प्रयास और उसमें 1.5 लाख हेक्टर धरती तो ये मेरे मध्य प्रदेश के किसानों की धरती है जहां पानी पहुंचाने का काम किया है। और मेरा किसान, मेरा छतरपुर का नागरिक, उसको अगर एक बार पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा करने की ताकत रखता है। भाइयों, वो पानी में अपना पसीना बहाने को तैयार है और पसीने से, पानी में से एक नई ऊर्जा पैदा करने की ताकत रखता है। ये मेरा छतरपुर का किसान है और उसके लिए हमने इस काम को आगे बढ़ाया है। भाइयों बहनों, हमारी छत्रसाल यूनिवर्सिटी, इस इलाके के नौजवान छत्रसाल यूनिवर्सिटी से नाम आज गर्व करते हैं कि नहीं करते हैं? ये छत्रसाल यूनिवर्सिटी आज मध्य प्रदेश में नाम कमा रही है कि नहीं कमा रही है? ये शिवराज जी कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये कांग्रेस के बस का रोग नहीं है। भैया, ये राजा महाराजाओं का काम नहीं है, ये तो जनता जनता के दिलों पर जो बैठा है ना, जनता के लिए जीता है, वो ही कर सकता है। भाइयों बहनों, हमारे इस इलाके में छोटे बड़े तालाब कांग्रेस के जमान में जो जिनकी बड़ी पहुंच थी, तालाबों को भी कब्जा कर करके बैठ गए थे, मालिक बन के बैठ गए थे। ये शिवराज जी ने तालाबों को खाली करवाया, गैरकानूनी कब्जेदारों को निकाला, तालाबों को फिर से जिंदा करने का प्रयास किया और पानी पहुंचाने के लिए उन अतिक्रमण को हटाने के साथ तालाबों को जिंदा करना, नए तालाब बनाना, बरसात के बूंद बूंद को बचाना, इसका एक बड़ा अभियान आज शिवराज जी के द्वारा संभव हुआ है जो यहां की पानी की समस्या को दूर करेगा।